है एवरीवन, ये इस ड्रामा का पार्ट 11 बोले तो लास्ट पार्ट है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब ली के डैड को पता चलता है कि ली के पर्सनल डिटेल्स लीक हो रहे, तो वो पूरा भड़क जाते हैं। वो चेंग को ही गलती मानने लगते हैं। तब उनका बड़ा बेटा उन्हें समझाता है कि चल डैड, मैं करता हूँ कुछ, मुझे नहीं लगता कि इसमें चेंग की गलती है। और जब ये न्यूज उसकी बेई की सिस्टर तक जाती है तो वो भी परेशान हो जाती है। वो अपने उड भी हस्बैंड चेंग को लेके जाती है अपने भाई वेई के पास, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है ना, तो वो अपने चैनल पे कुछ बोलेगा तो शायद कुछ चीजें बदल सके। इधर ऑफिस में ली एकदम सबके सामने बिल्कुल काम सो कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। चेंग उससे जाता है बात करने के लिए, तो वो उससे कहती है छोड़ो ना, इनका काम है बोलना, ये मेरा खर्चा थोड़ी चला रहे हैं, बोले दो चार दिन बोलेंगे, पांचवें दिन शांत हो जाएंगे। मेरे पास तुम हो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दोनों यहाँ पर अपना लवी डबी रोमांस कर ही रहे थे कि वहाँ पर ली का बड़ा भाई आ जाता है उससे बात करने के लिए। चेंग वहाँ से बाहर निकलता है। उसका बड़ा भाई ना उसे ये बताने के लिए आया था कि एक्चुअल में उसके डैड और ली के मॉम दोनों मैरिड थे। ये बात अब तक ली को पता नहीं थी। जब ली की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनका लास्ट टाइम चल रहा था, तब जाकर के उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर कराई थी। और किसी रीजन से अब तक उन्होंने ली को ये बात नहीं बताई थी। वो पूरा खुश हो जाती है कि चलो कम से कम उनका रिलेशन वैलिड तो है। इधर वेई और उनके दोस्त लोग इसके लाइव टेलीकास्ट आने का वेट कर रहे थे। वेई जो है मास्क पहन के पहले सबके सामने आता है, ली का टॉपिक निकालता है। इसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आ जाता है चेन वहाँ पर सबके सामने, और फिर अपने मन का बात रखता है। अब इसके बाद की सच्चाई लोगों को कितना समझ में आती है वो तो हमें इस वीडियो में थोड़ा आगे पता चल ही जाएगा। मेई जो है चेंग को ईमेल करके उसे मिलने के लिए अकेले होटल में बुलाती है। चेंग चला भी जाता है उससे मिलने के लिए ताकि शायद आगे कुछ लिंक मिल सके, लेकिन वो अपना दिमाग लगा करके गया था। वहाँ पर उसने एक 10 मिनट के बाद का टाइमर लगा करके ईमेल अपने भाई को सेंड कर दिया था। वो बोल के आया था कि अगर मेरा ईमेल आ गया ना तो समझ जाना कि गड़बड़ है। वहाँ पर तो मेई पूरा ढंग से बात करती है। वो कहती है कि मैं ऑफिस से रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ से तुमको छोड़ ओड़ करके चले जाऊँगी। कॉन्गो बोल करके उसे वाइन पिलाती है, और वाइन में उसने ड्रग कर दिया था की वजह से चेंग को पूरा नशा होने लगता है। अब मैं ही उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है, अपने दिल का इच्छा पूरा करने का कोशिश कर रही होती है, क्योंकि होश में तो उसे चेंग किसी हालत में मिलने नहीं वाला था। अब इधर ली उसको कॉल पे कॉल की जा रही है, चेंग ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है ना कॉल कर रहा है। वो उसके बारे में पता करने के लिए जीवे को कॉल करती है, जीवे उसे नहीं बताता है। लेकिन तभी वहाँ पर चेंग के भाई को उसका ईमेल आ जाता है, और उसमें होटल का प्लेस और एड्रेस था, और वो ये बोल देता है और ली ये बात सुन लेती है। वो जल्दी जल्दी उस होटल में जाती है और चेंग को जैसे तैसे वहाँ के सिचुएशन से मेई से बचा करके लेके आती है। ली उसे वहाँ से लेकर के उसके घर जाती है। चेंग थोड़ा बहुत नशे में था, लेकिन हाँ इतना होश तो था कि वो पहचान सके कि ली है। ली पूरा सेल्फी वेल्फी लेती है, दोनों मस्ती करते हैं, और फाइनली दोनों अपने रिलेशनशिप को फर्स्ट नाइट यहाँ पर स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब ली जगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस थी। चेंग बेचारा उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कबाब में हड्डी जीवा ही आ करके नॉक करने लगती है। जब जीवे ली को वहाँ पर देखता है ना तो समझ जाता है कि दोनों तो रिलेशनशिप में आ ही चुके हैं। वो जाता है चेंग अपने भाई से बात करने के लिए, कल वाला सारा कांड बताता है। उसका भाई बिना कुछ समझे सोचे पूरा बोले जा रहा है। जीवे उसको चुप कराया जा रहा है, अरे दोनों को देखो तो सही, ये दोनों तो लव बर्ड्स की तरह आपस में चिपके हुए थे। उसका भाई भी समझ जाता है कि अब तो वो उसकी भाभी बनने वाली है। चेंग जो है ली के सेफ्टी के लिए एक ट्रैकर लगा हुआ एयरिंग उसे पहनाता है कि मेई फिर से अगर उस पर अटैक करती है और वो कहीं भी होगी शहर के अंदर तो वो लोग उसे ट्रैक कर लेंगे। अब ये दोनों सिंगल लॉन्डो को ना इनका रोमांस दिखा नहीं जा रहा था। वो बोलता है कि अरे यार अपने रूम में जाके करो जो करना है। और इधर वेई का बड़ा भाई ना सुधरने वाला नहीं था। वो ली के लिए बहुत ही सुंदर सा लेकिन पूरा गर्लिश टाइप का रूम डेकोरेट करके रखा था। ओ गॉड, लड़की है मतलब पिंक कलर ही पसंद होगा, कब बदलेंगे लोग। नेक्स्ट डे चेंग अपने ऑनलाइन लव गुरु से बात कर रहा था, बोले तो वेई से, और उसे पता नहीं था कि ये वेई ही है। और वो लोग आज मिलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली आती है और उसका ईमेल पढ़ के समझ जाती है कि वो वेई से मिलने वाला है। और वो चाहती नहीं थी कि चेंग जाने कि वेई ही उसका ऑनलाइन लव गुरु है, तो वो उसे कैसे ना कैसे करके रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने वाला थोड़ी था। वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर पहले से ही वेई उसका इंतज़ार कर रहा था। वेई को इधर जाकर के जिंग रोकती है, बहाना बना के इधर लेके आती है, और चेंग को ली अपने घर लेकर के जाती है। आज ली के डैड का बर्थडे था ना, तो उसके लिए वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह उन्हें लेना था।
आज की बर्थडे पार्टी में ली चेंग को भी साथ चलने के लिए बोलती है। चेंग रेडी हो जाता है। अभी दोनों बात कर रहे थे कि चेंग को ऑफिस से कॉल आता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। चेंग ली को यहीं पर वेट करने के लिए बोल करके चले जाता है। थोड़ी देर बाद कोई ली के घर का नॉक करता है दरवाज़ा। वो जाती है देखने के लिए तो हम भी बस देखते हैं कि दो बंदे जो है ली को किडनैप कर चुके हैं। ली के डैड वेट करते रह जाते हैं लेकिन वो आती नहीं है। थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाता है कि ली गायब है। किडनैपर्स उसे उठा करके लेके जा रहे थे। उसका इयररिंग खोल के वो रास्ते में फेंक देते हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पर चालाकी दिखाते हैं लेकिन वो दोनों थे थोड़े ढक्कन। आई थिंक कि पहली बार किसी का किडनैपिंग किया था। और ली अपना इमोशनल वाला कार्ड खेल करके पहले तो वो अपना आई खोलवाती है ताकि आसपास का सिचुएशन देख सके। इसके बाद वो उन्हें पैसे का लालच देती है और बहाना से कहती है ना कि मेरा एक फ्रेंड ना ऑनलाइन टेलीकास्ट करता है, उस पर ना तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। वो अपना फ़ोन ऑन करवा के उसके लाइव टेलीकास्ट पर मैसेज करवा देती है। और इधर जैसे ही मैसेज वेई को मिलता है ना तो वेई और जिंग समझ जाते हैं कि ली इन लोगों को जो है हिंट दे रही है कि वो यहाँ पर है। वो पुलिस को बता देते हैं और वो लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। इधर काफ़ी देर बाद इन दोनों ढक्कन के किडनैपर्स को समझ में आता है कि अरे हमने तो कांड कर दिया, अब तो पुलिस हमारा पता जान जाएगी। तो फिर वो पहले तो उसका फ़ोन तोड़ते हैं, इसके बाद अपने बॉस को कॉल करके बताते हैं कि थोड़ा सा गलती हो गया है। वो बॉस अपने बॉस को कॉल करता है और वो जो मेन हेड था वो फाइनली कॉल करता है माहो को। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे माहो था ही। माहो और मेन ने दोनों मिल करके ये काम किया था तो वो उन्हें वहीं पर रखने के लिए बोलता है। ये दोनों लौंडे डरे हुए थे क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी तो अच्छे से कुटाई होगी इनकी। वो दोनों किडनैपर ली को वहाँ से लेके जाते हैं और जाने से पहले ली ने अपने सैंडल से वहाँ पर कुछ हिंट लिख दिया था पुलिस के लिए। पुलिस आकर के उस हिंट के थ्रू से ढूंढने का कोशिश करने लगती है और वो दोनों ली को लेकर के चले जाते हैं माहो के पास कि हमें हमारा पैसा दो, हमने अपना काम कर दिया है। लेकिन अभी तक माहो उसे छोड़ने वाला था नहीं क्योंकि उसमें मेई भी इंक्लूडेड थी ना। थोड़ा और रायता आगे फैलना बाकी है। अब माहो और ली दोनों बात कर रहे होते हैं। ली उसे समझाती है कि देखो अब तक तो तुमने इतना बड़ा कांड नहीं किया था कि तुम्हें जेल हो सके, लेकिन अब जो तुमने किडनैपिंग किया है ना तो फिर चेंग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, संभल जाओ, तुम्हारी सजा कम हो सकती है। लेकिन अब माहो का दिमाग ख़राब हो चुका था तो वो ली को जाने देने तो वाला था नहीं। ली दिमाग लगा रही थी कि ये दोनों किडनैपर पैसे के लिए लड़ रहे हैं तो इनके साथ थोड़ी सी बात बन सकती है। अगले दिन जब ये दोनों किडनैपर के साथ अकेली थी तो ली अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट करो गाना बजाने के लिए। वो उनका फ़ोन लेकर के नाटक करने लगती है कि कनेक्ट नहीं हो रहा है और इसी बहाने से वो कॉल कर देती है चेंग को। और कॉल पर जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी ना वहाँ वहाँ का बात करते जा रही थी इमोशनल होकर के। उन दोनों को पता नहीं था और इधर चेंग उनका बात सुन करके पुलिस के साथ मिल करके उसे ढूंढने का कोशिश करने लग जाता है कि कहाँ हो सकती है वो। वो लोग उसे लेकर के जाते हैं मेई के पास। अब मेई को भाई अपना बदला लेना था। वो उसे पहले तो अच्छे से थप्पड़ वप्पड़ मारती है, इसके बाद फिर लाइव टेलीकास्ट करके चेंग को दिखाती है कि देखो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हालत कर दिया है, यही तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मैडम। दोनों के बीच थोड़ा बहुत फाइट वाइट होता है। जो मेई होती है वो गुस्से में आकर के एक बहुत बड़ा सर और ली के सर पर मार देती है। ली बेहोश हो जाती है लेकिन तब तक वहाँ पर चेंग पुलिस को लेकर के आ चुका था। वो मेई को पुलिस के हवाले कर देता है और ली को वहाँ से लेके जाता है। अगले दिन ली को होश आता है तो वो अपने डैड के घर पे थी। हालांकि उसे सब कुछ याद था लेकिन वो बस चेंग को परेशान करने के लिए नाटक कर दी कि वो बस उसको भूल गई है, उसे सबको याद है लेकिन उसे बस चेंग याद नहीं है। अब चेंग बेचारा उसे याद कराने की कोशिश करता है। जैसे ली ने उसे बोला था ना कि वो उसकी फियांसे है तो चेंग भी वैसे ही करता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और उसे याद कराने का कोशिश करता है। लेकिन ली अभी थोड़ा बहुत और ड्रामा करने वाली है। उसके डैड आते हैं उससे बात करने के लिए। अब ली और उसके डैड की भी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, दोनों अच्छे से बात करते हैं। अब चेंग इतनी आसानी से हार मानने वाला तो था नहीं तो वो ली को कॉल करके उसके पुराने घर पे बुलाता है। वहाँ पर उन दोनों के साथ वाले फोटोग्राफ्स उसने पूरे फ्रेमिंग करके लगाए हुए थे ताकि ली को याद आ सके। उसने बैकयार्ड में एक प्यारा सा झूला लगाया था ना, वहाँ पर वो उसे बुलाता है और फिर फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अब ली भी अपने आप को रोक नहीं पाती, उसे याद तो था ही तो वो उसे हग कर लेती है। और ये लोग ना दूर से ही दूरबीन से इनका रोमांस देखे जा रहे थे कि इनके बीच कुछ होगा भी या नहीं होगा। फाइनली जब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं ना तब जाकर के इन लोगों को भी शांति मिलती है और वो लोग वहाँ से जाते हैं। हमारा ये वाला ड्रामा यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। जो जो यहाँ तक आया है ना कमेंट में ए मैसेज करें जिससे मैं समझ सकूँ कि कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।